हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आज हमने मोमरा बनाया है, नमकीन मोमरा। आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब बच्चों को नाश्ते में आज मोमरा चाहिए था, इसलिए हमने ऐसे बनाया है। आप भी इस तरह से बना के लंच में दे सकते हैं। चलिए बताते हैं किस तरह ये बनाया जाता है। बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। देखिए, नाश्ते में हम मोमरा बना रहे हैं। ये देखिए, हम मोमरा को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। मिर्ची का तड़का देंगे हम, मोमरा में डालेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने नमकीन ले लिए हैं। जब हम मोमरा फ्राई कर लेंगे, फिर नमकीन हम इसमें मिक्स करेंगे। चलिए आपको बताते हैं इसे फ्राई करने का तरीका। देखिए, तेल गर्म हो गया, हम इसमें मिर्ची डाल देते हैं। इस तरह से मिर्ची काट के डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसे मिर्ची नहीं पसंद वो निकाल के खा सकता है इसे। देखिए, ये हो गया। आप इसमें चाहे कड़ी पत्ता इस वक्त डाल सकते हैं, लेकिन हमें कड़ी पत्ता नहीं डालना है, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद है। तो ये हो गया। इसमें हल्का सा हल्दी डाल देते हैं। ये देखिए, आधा चम्मच से भी कम। थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे इसमें, इस तरह। देखिए, हो गया। मोमरा डाल देते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। देखिए, इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देंगे, जिससे अच्छा क्रिस्पी आएगा हमारा मोमरा। बच्चों का फरमाइश के हिसाब से हम बना रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें और भी सब चीजें डाल सकते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, ये सब चीज भी आप इसमें डाल के अच्छी तरह बना सकते हैं। ये देखिए, आधा चम्मच से भी कम हम इसमें नमक डाल देते हैं, क्योंकि मोमरा में हल्का नमक रहता है वो। देखिए, ये हो गया हमारा। बस सिर्फ एक मिनट के लिए इसे फ्राई करना रहता है सभी चीजों को डाल के। ये हो गया। आप गैस कर दे रहे हैं बंद। ये देखिए, हमने गैस से इसे उतार लिया है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ज्यादा क्रिस्पी ये हो गया है। देखिए, अब इसमें हम नमकीन मिला देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इस तरह बनाइए और खाइए ना। आप अपने पसंद के साथ इसमें प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया। आप इस तरह से बना कर खाइए क्रिस्पी मोमरा। ये देखिए, ये तैयार हो गया। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।